पब्लिक टीवी आपकी आवाज। वो वायरस भी एक प्राणी, वो वायरस भी एक प्राणी। जहां एक तरफ देश भर में कोरोना महामारी ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार और उनके मंत्री ऐसे हालातों में भी मजाकिया मूड में दिखाई पड़ रहे हैं और उनके इस बयान से तो हर कोई भाजपा की किरकिरी करने पर उतारू है। दरअसल हर रोज कोविड से सैकड़ों की तादाद में मर रहे लोगों के बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस जानलेवा वायरस की चिंता हो रही है और उनकी ये वायरस चिंता सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही है। लीजिए अब आप भी सुनिए पूर्व सीएम की इस वायरस चिंता को, जिसमें वो कोरोना वायरस को एक अलग प्राणी बताकर वायरस के अधिकारों की चिंता करते नजर आ रहे हैं। पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी है। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं, वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया, ठीक है ना। तो सुना आपने कैसे पूर्व सीएम ने कोरोना वायरस को एक प्राणी बता दिया। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम बोल पड़े उस प्राणी को भी जीने का अधिकार है। अब जहां एक तरफ भाजपा सरकार हर रोज देश में लोगों को कोरोना महामारी से बचाने की कोशिश करने का ढोंग कर रही है, वहां ऐसे में सीएम का वायरस को प्राणी कह देना और उसे भी जीने का अधिकार है ये कह देने पर परेशान लोग उनके अस्तित्व पर सवाल कैसे न उठाएं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।